Morning. I am Rashmi Sharma from Madhyanchal Professional University. आज हम देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है. सुपरपोजिशन थ्योरम एक्सटेंड द यूज ऑफ ओम्स लॉ टू सर्किट विथ मल्टीपल सोर्सेस. मतलब सुपरपोजिशन जो थ्योरम है वो ओम्स लॉ का एक्सटेंड यूज करने का एक लॉ मतलब एक थ्योरम है जिसमें हम मल्टीपल सोर्सेस का यूज करते हैं. इसकी डेफिनेशन देखें तो करंट थ्रो और वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन ए लीनियर बायलैटरल नेटवर्क इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली बाय ईच सोर्स. अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझें तो जो करंट और जो वोल्टेज है जो अक्रॉस एक किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस हम देख सकते हैं लीनियर बायलैटरल नेटवर्क, मतलब जिसमें दोनों तरफ से ऐसे एलिमेंट जिसमें दोनों तरफ से करंट आ जा सकता हो, ठीक है, उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का सम या फिर वोल्टेज का सम, अगर हम एक किसी इंडिपेंडेंटली सोर्स से भी देखें, मतलब एक बार में मैं एक सोर्स लगाऊं और फिर मैं उसका करंट और वोल्टेज सोर्स देखूं, उसका जो भी आंसर आएगा मैं उसको लिखूं, फिर दूसरे सोर्स से देख के उसका एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट और वोल्टेज निकालूं और फिर उन दोनों को ऐड करूं, तो वही एल्जेब्रिक सम आएगा जो कि टोटल का आएगा. ठीक है, ये हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है सॉल्व करना क्योंकि हम एक एक सोर्स को कंसिडर कर रहे हैं. मल्टीपल सोर्स अगर लगे हुए हैं तो हमें दिक्कत होती है करने में, तो हम एक एक सोर्स के साथ कर सकते हैं. The superposition theorem is very useful in determining the voltage across an element or current through a branch. The circuit contains multiple number of voltage or current sources. तो इस तरह से ये यूजफुल होता है वोल्टेज और करंट निकालने के लिए किसी भी एक ब्रांच के थ्रू अगर कोई सर्किट में बहुत सारे मल्टीपल वोल्टेज और करंट सोर्सेस लगे हुए हैं. In order to apply the superposition theorem to a network, certain condition may be met. हमें किसी भी network में अगर superposition theorem लगाना है तो हमें कुछ conditions का ध्यान रखना होता है. पहली है all the components must be linear. सभी components linear हो. Example, current is proportional to the apply voltage for the resistor. Flux linkage is proportional to current in inductor. एक्स्ट्रा, ठीक है, ऑल द कंपोनेंट मस्ट बी बायलैटरल मीनिंग दैट द करंट इज सेम अमाउंट फॉर अपोजिट पोलैरिटीज ऑफ द वोल्टेज. मतलब वही बायलैटरल, मतलब सर्किट आपका लीनियर हो बायलैटरल हो, है ना, जिसमें करंट प्रोपोर्शनल हो. लीनियर मतलब करंट प्रोपोर्शनल हो अप्लाइड वोल्टेज के, और अगर इंडक्टर के केस हो तो फ्लक्स लिंकेज प्रोपोर्शनल हो करंट के. ठीक है, बायलैटरल मतलब कोई भी पोलैरिटीज कर दो, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, कंपोनेंट में कोई असर नहीं होगा, सेम करंट फ्लो होगा. पैसिव कंपोनेंट में भी यूज्ड, इसमें हमेशा पैसिव कंपोनेंट्स यूज होंगे. दीज कंपोनेंट्स सच एज रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर दैट डू नॉट एम्पलीफाई और रेक्टिफाई, ये एम्पलीफाई और रेक्टिफाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ कंपोनेंट्स होंगे जैसे रजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर टाइप से. फिर है एक्टिव कंपोनेंट मे नॉट बी यूज्ड. एक्टिव कंपोनेंट इंक्लूड ट्रांजिस्टर सच कंपोनेंट्स आर नेवर बायलैटरल एंड सेल्डम लीनियर. प्रोसीजर फॉर अप्लाई सुपरपोजिशन, क्या तरीका है अप्लाई करने का सुपरपोजिशन थ्योरम. अभी अपन ने देखा कंडीशंस क्या है, अब प्रोसीजर क्या है. सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इस टाइप के इंडिपेंडेंट सोर्सेस है ना, ये यहाँ पे जो फिगर में दिखा रहे हैं. कंसिडर ओनली वन सोर्स टू बी एक्टिव एट ए टाइम. रिमूव ऑल अदर आइडियल वोल्टेज सोर्सेस बाय शॉर्ट सर्किट एंड अदर आइडियल करंट्स बाय ओपन सर्किट. दूसरी लाइन में क्या है, कंसीडर ओनली
वन सोर्स टू बी एक्टिव एट ए टाइम, हम एक ही सोर्स को एक्टिव लेंगे एक टाइम पे, एक ही सोर्स लेंगे, बाकी जो सोर्सेस है हमारे वोल्टेज सोर्स अगर लगा हुआ है तो हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और अगर करंट सोर्स लगा हुआ है तो हम उसको ओपन सर्किट कर देंगे। ये हमारा वोल्टेज टू बी रिप्लेस्ड एज ए शॉर्ट सर्किट, ये हमने वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट की तरह, और अगर करंट सोर्स लगा है तो हमें इस तरह से ओपन सर्किट करना है। तो ये इसका प्रोसीजर है ना। फिर इसके बाद हमें क्या करना, इफ देयर आर प्रैक्टिकल सोर्सेस, इफ देयर आर प्रैक्टिकल सोर्सेस रिप्लेस देम बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल सोर्स और बाय एन इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब आपको सिंपल एक ऐसा सोर्स दे दिया है, मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस दे दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज सोर्स दे दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ, जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो हम इस वोल्टेज सोर्स को तो रिमूव कर देंगे बाय शॉर्ट सर्किट, लेकिन हम उस शॉर्ट सर्किट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं अगर इंटरनल है तो, अगर क्योंकि वो प्रैक्टिकल सोर्स है तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है, और अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उस केस में नहीं होता है। तो इफ देयर आर प्रैक्टिकल सोर्सेस रिप्लेस देम बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल सोर्स एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर, आफ्टर दैट शॉर्ट सर्किट द आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड ओपन सर्किट द आइडियल करंट सोर्स एज शोन इन फिगर। अगर करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उसको पैसे पैरेलल में लगा देंगे और उसको शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स को हमें शॉर्ट करना ही है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो कि उसके पैरेलल में होता है, तो हमें वो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस लगाना है। ऐसा नहीं कि हम उसको हटा देंगे, है ना, हमें सिर्फ सोर्सेस को रिमूव करना है। तो इस तरह से ये हमने प्रोसीजर सीख लिया है। अब अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें। थैंक यू।